नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली बंपर जीत के बाद कांग्रेस आलाकमान के लिए मुख्यमंत्री का चुनाव करना कठिन हो गया है। इस गहमागहमी के बीच कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डी के शिव कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के समर्थकों ने अपने अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने की वो मांग कर रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक में कांग्रेस की बंपर जीत के बाद कांग्रेस के सामने सीएम बनने की चुनौती है। कर्नाटक कांग्रेस में सीएम रेस में दो चेहरे शामिल हैं। पहला नाम सिद्धार्थ मैया और दूसरा नाम डी के शिव कुमार है। इस बीच दोनों नेताओं के समर्थक अपने नेता को सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। डी के शिव कुमार कनकपुर सीट से लगातार 8वीं बार विधायक बने हैं और कांग्रेस में सबसे कम समय में फायर ब्रांड नेता के तौर पर पहचान बनाई है। इतना ही नहीं, डीके को कर्नाटक में संकट मोचन के रूप में भी जाना जाता है। कर्नाटक कांग्रेस में सिद्धार्थ मैया को सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। सिद्धार्थ मैया साल 2013 से लेकर साल 2018 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री का पद संभाल चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया ने अपने सीएम कार्यकाल के दौरान सामाजिक आर्थिक सुधार योजनाओं से कई बदलाव लाए। उन्होंने गरीबों के लिए कई योजनाएं शुरू की। उनकी 7 किलो चावल देने वाली अन्य भाग्य योजना, स्कूल जाने वाली सभी छात्राओं को 150 ग्राम दूध दिए जाने वाली शीर भाग्य योजना और इंदिरा कैंटीन ने राज्य के गरीबों को काफी राहत दी थी। हालांकि सिद्धार्थ मैया ने अपनी पिछली सरकार के दौरान कुछ ऐसे फैसले भी लिए जो उन्हें लिंगायत विशेष रूप से हिंदू वोटरों के बीच कम लोकप्रिय कर दिया। वर्तमान समय में सिद्धार्थ मैया कर्नाटक में कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय नेता है। तो वहीं सुन्नी उलेमा बोर्ड के मुस्लिम नेताओं की मांग ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सुन्नी उलेमा बोर्ड ने डिप्टी सीएम समेत 5 मुसलमान विधायकों को गृह, राजस्व, स्वास्थ्य जैसे अच्छे पोर्टफोलियो के साथ मंत्री बनाने की मांग की है। सुन्नी उलेमा बोर्ड का कहना है कि एक समुदाय के रूप में हमने कांग्रेस को बहुत कुछ दिया है, अब समय आ गया है कि हमें बदले में कुछ मिले। सुन्नी उलेमा बोर्ड ने इसके साथ भविष्य की योजना का संकेत देते हुए कहा कि सही मायने में तो एक मुस्लिम सीएम होना चाहिए, क्योंकि कर्नाटक के इतिहास में कभी कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं रहा है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिद्धार्थ मैया और डी के शिव कुमार को साधने की होगी। अगर कांग्रेस इनमें से एक को भी संभालने में नाकाम रहती है तो कर्नाटक की हालात राजस्थान जैसे बनने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस ने जीत तो ले ली है, लेकिन इस दौरान सबसे बड़ा जो पैच फंसा हुआ है वो आखिरकार है कि सीएम पद पर कौन रहेगा, कौन बनेगा कर्नाटक का मुख्यमंत्री। क्योंकि जिस तरीके से सिद्धारमैया और डी के शिव कुमार दोनों के नाम सामने आ रहे हैं और दोनों ही कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के, तो इसको लेकर जो पैच फंसा हुआ है आखिरकार ये देखना होगा कि किस पर आलाकमान मोहर लगाता है और किसे देता है कर्नाटक के सत्ता को चलाने की इजाजत। तो देखिए, जिस तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां भी हैं, भले ही मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आ जाए, लेकिन जिस तरीके से वादे कांग्रेस ने कर्नाटक में किए हैं स्थानीय मुद्दों को लेकर, वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती रहेगी। तो दावेदारी की अगर बात करें मुख्यमंत्री की, तो दो दावेदार हैं, सिद्धारमैया और इसी के साथ में डी के शिव कुमार। सिद्धारमैया की बात करें तो बेहद ही अच्छी छवि वाले हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। आपको बता दें कि जेडीएस से निकलकर कांग्रेस का दामन थामा था सिद्धारमैया ने, और उसके बाद से वो एक बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो अच्छी छवि है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें डी के शिव कुमार की, तो उन्होंने भी इस चुनाव में एक अच्छी भूमिका निभाई है, जिसको लेकर अब आलाकमान के सामने दो तरह की बातें कि क्या अच्छी छवि वाले सिद्धारमैया को कुर्सी दी जाएगी मुख्यमंत्री की, या फिर जिस तरीके से पूरे दमखम के साथ में शिव कुमार ने
इस विधानसभा चुनाव में अपना एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगाया है और जिस तरीके से जीत हासिल हुई है कांग्रेस को, क्या शिव कुमार को इस बार मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? कई ऐसे सवाल हैं जो अब कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं माथापच्ची बनते जा रहे हैं। तो कर्नाटक में जिस तरीके से सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार को लेकर सीएम रेस में ये दोनों शामिल हैं और दोनों के ही समर्थक अपने अपने नेता को सीएम पद के लिए देख रहे हैं, अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर आखिरकार आलाकमान क्या फैसला लेता है। तो कर्नाटक में जिस तरीके से अब जो सियासत है वो और भी ज्यादा तेज हो चुकी है, क्योंकि मुख्यमंत्री के दावेदार में दो चेहरे ऐसे हैं जो कांग्रेस के लिए बेहद ही अहम है। इसी पर खास चर्चा करेंगे। मेरे साथ में कांग्रेस नेता रत्नेश मिश्रा और साथ ही बीजेपी से तपोष मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का न्यूज वॉच इंडिया में स्वागत है। धन्यवाद। चर्चा की शुरुआत तो मैं रत्नेश जी आप ही से करूंगी। देखिए, अब तो जिस तरीके से दो दावेदार हैं आपके सामने और दो कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो दो दावेदार भी ऐसे हैं जिनको खफा नहीं कर सकती है, तो क्या लगता है दोनों में से किसको मिलेगी कुर्सी? अंदर की खबरें क्या है? देखिए, सिद्धरमैया जी और डीके शिव कुमार जी दोनों लोगों का कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत दिलाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। सिद्धरमैया जी हमारे सबसे लोकप्रिय नेता हैं कर्नाटक में, तो डीके शिव कुमार जी ने जिस तरह संगठन को अपने अध्यक्ष रहते हुए जिस तरह से समेटा और लोगों के साथ जो समन्वय बनाकर जो कांग्रेस पार्टी की नीतियों को कांग्रेस पार्टी की बातों तक पहुंचाया जनता तक, इन दोनों के कलेक्टिव एफर्ट का और हमारे शीर्ष नेतृत्व का उनके साथ जो कॉपरेशन रहा उसका परिणाम रहा कि हमने कर्नाटक में बम्पर जीत दर्ज की और ऐसी जीत दर्ज की इसमें अब भारतीय जनता पार्टी की कोई दाल नहीं गलने वाली है। ये जो डकैती दाल के सरकारें छीन लेते थे ऐसा भी कुछ इस बार नहीं होने वाला है। तो देखिए, अभी कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी, उसमें ये निर्णय लिया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा और ये हमारे विधायक निर्धारित करेंगे। लेकिन हम इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि जो भी हमारे यहाँ कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाया जाए वो पूरी पार्टी के बीच उसकी सर्वमान्यता हो, वो उसकी लोकप्रियता हो और वो कर्नाटक के लिए अच्छे से अच्छे काम कर सके। हाँ, हो सकता है कि इन दोनों के बीच में हमें थोड़ा सा करना पड़े, तो हम एक फार्मूला निकाल सकते हैं कि एक को सीएम और एक को डिप्टी सीएम के तौर पर हम रखकर सरकार को मजबूती से चलाने का प्रयास करें। सीएम डिप्टी सीएम का भी आपने जिक्र किया है, एक तरफ तो कद है और एक तरफ काम है, किस तरीके से बांटेंगे दोनों को? देखिए, मुझे लगता है कि कद और काम में ज्यादा से ज्यादा इम्पोर्टेंट दोनों चीजें होती हैं, दोनों एक राजनीतिक दल के लिए आवश्यक है। अब ये तो विधायक दल निर्धारित कर देगा जिसको कि कौन उनका नेता है, तो उसी का कद भी बड़ा होगा और उसी का काम भी हम भविष्य में देखेंगे। ये निर्णय अभी विधायक दल की बैठक में ही हो पाएगा। लेकिन रत्नेश जी, अभी आपने जिस तरीके से डिप्टी सीएम को लेकर बोला है कि एक को सीएम पद के लिए एक को डिप्टी सीएम के लिए, लेकिन आपको पता है ना कि दूसरी तरफ जो मुस्लिम समुदाय है उनकी भी मांग उठने लगी है। उन्होंने भी बोला है कि डिप्टी सीएम मुस्लिम समाज से होना चाहिए, इसके साथ में 5 ऐसे मंत्री भी बनाए जाएं जिसमें बड़े पद उनको मिल सके, तो कैसे करेंगे? एक तरफ तो दो दिग्गज नेता, एक तरफ मुस्लिम समाज की मांग, कैसे निपटेंगे इससे? देखिए, एक समाज के तौर एक वोट बैंक एक वोटर के तौर पे माइनॉरिटीज ने हमारा काफी साथ दिया है और वो खुलकर कांग्रेस पार्टी के साथ आए हैं। अगर माइनॉरिटीज की ये भावनाएं हैं तो पार्टी बिल्कुल उनको अपने ध्यान में रखेगी और उनकी हो सकता है कि सारी मांगे ना पूरी की जा सके, लेकिन उनकी इस मांग को जरूर ध्यान में रखा जाएगा कि उनका रिप्रेजेंटेशन सरकार में हो। क्योंकि मैं ये स्वयं भी देखता हूँ, एक नागरिक के तौर पर भी अगर मैं देखूँ तो मुस्लिम हर जगह केवल वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो अन्य पार्टियां हो, वो केवल उनको मुस्लिम वोट बैंक के तौर पे देखती है, उनको सरकार में प्रतिनिधित्व नहीं देती। तो जिस तरह से उन्होंने 4-5 मंत्रालयों की बात की है, हम इस पर देखेंगे, हमारी पार्टी इस पर देखेगी, अगर ऐसा संभव होगा तो बिल्कुल उनको पार्टिसिपेशन दिया जाए। बीजेपी से हमारे साथ में तपोष जी जुड़े हुए हैं। तपोष जी, क्या कहेंगे, क्योंकि ये पहला कर्नाटक का ही ऐसा नहीं रहा है, ये इस तरीके से जो पैच फंसा है कांग्रेस का हमने पहले भी देखा, आपको क्या लगता है किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ये फ्री बीज सरकार है, इन्होंने पंजाब में जो इनका मैनिफेस्टो था आप सरकार का, उसको इन्होंने कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पे। भोली वाली जनता कर्नाटका की, उनको प्रलोभन दिया है कि हम आपको 2000 देंगे, 3000 देंगे, 4000 देंगे, 5000 देंगे, इस तरीके से वो कई सीरीज में जो है फ्री में पैसा बांटने की घोषणाएं कर चुके हैं।
देखिए अगर ये इम्प्लीमेंट करते एक भी योजना जिसमें कि ये फ्री में पैसा देने की बातें कर रहे हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो सीधा सीधा कर्नाटका के डेवलपमेंट हैम्पर होगा। मुख्यमंत्री कोई भी बने ये किस तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ये डिपेंड करता है, ये किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि अगर ये फ्री बीज नहीं देते तो ये और देखिए एक चीज और है, इनका जो मैनिफेस्टो है वो तो झूठ के आधार पे है ही है, वो तो पूरा कर ही नहीं सकते हैं उसको, क्योंकि इतना फंड ही नहीं है इनके पास कि वो इतने ढेर सारे पैसे जो है फ्री में बांट सके, नंबर वन। नंबर टू, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि बजरंग दल को बैन करेंगे, बजरंग दल को ये बैन ही नहीं कर सकते। मैं पूछ रहा हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता से कि बजरंग दल कब बैन होगा, आप बताइए, अपडेट बताइए। आपने लिखा है ना, आपने आप लोगों के पास गए हैं बजरंग दल को बैन करने के आधार से। इन्होंने तुष्टीकरण और पोलराइजेशन करने के लिए ये जो अभी कह रहे थे ना कि मुस्लिम लोगों को ये वोट बैंक के आधार पे देखते हैं, यही इनकी मानसिकता है। ये इसी मानसिकता के आधार पे चलते हैं, इसीलिए इन्होंने बजरंग दल को बैन करने की बात लिखी है जिससे मुस्लिम पोलराइज। बेसिकली ये बजरंग दल को बैन कर ही नहीं सकते, बजरंग दल और कोई भी इस तरीके के जो संगठन होते हैं वो केंद्र सरकार उसको बैन कर सकती है, राज्य सरकार बैन नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी इन्होंने लिखा। अच्छा एक बार ये जब केंद्र में थे और विवादित ढांचा गिरा था तब ये बैन किए थे, इन्होंने आरएसएस और बजरंग दल दोनों को बैन किया था, 90 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में स्पष्टीकरण सबमिट करना होता है, ये कुछ नहीं उसके सपोर्ट में सबमिट कर पाए और फिर क्या हुआ, खारिज हो गया। आज बजरंग दल और आरएसएस दोनों ही बिना बैन के चल रहे हैं और पूरे देश में राष्ट्र उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। हम अग्रणीय हैं उसमें, आपको कई कांग्रेस के नेता भी मिल जाएंगे जो कि आरएसएस के स्वयं सेवक है, तो दिक्कत यहाँ पे तपोस जी आगे तो जब सरकार जब सीएम पद पर कोई बैठेगा उस समय पर तो ये सारी चीजें निकलकर सामने आएंगे, वो तो उस समय पर देखा जाएगा, लेकिन बात ये है कि क्या छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान की तरह क्या कर्नाटक में भी जो सियासी समीकरण है जो मुख्यमंत्री को लेकर जो दावेदारी पेश की जा रही है क्या यहाँ पर भी बिखरता नजर आ सकता है, क्या इसका फायदा बीजेपी उठा पाएगी? देखिए ये इनका इंटरनल मैटर है, ये करें अपने हिसाब से, किसको सीएम बनाते हैं किसको नहीं बनाते ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी बता रहे थे कि विधायक दल उसका नेता चुनेंगे, देखिए विधायक दल कुछ भी नेता चुने, अल्टीमेटली जो भी हुक्म आ जाएगा इनको ऊपर से वही इनको मानना पड़ेगा। अभी आपने कुछ दिन पहले खड़गे जी को देखा है कि वो खड़े थे, सोनिया गांधी सबसे पहले आके बैठे, फिर राहुल गांधी आके बैठे, फिर राहुल गांधी को पानी दिया गया, खड़गे जी तब भी खड़े थे, ये कह रहे हैं कि नहीं हमने जो है अध्यक्ष गांधी परिवार के बाहर बना दिया है। क्या बना दिया आपने? देखिए प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, परिवार इनका जो है आधार है, परिवार के आधार पे ये चलते हैं, ये उसके इस बात का जवाब ले लीजिए। कांग्रेस पार्टी के वीडियो का खंडन किया जा चुका है और इन्होंने जो टेम्पर्ड वीडियो जारी किया था इनके अमित मालवीय जी ने, उस टेम्पर्ड वीडियो को हमने एक्सपोज कर दिया था और आज भी तपोज पाल यहाँ बैठकर खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जाके देख लीजिएगा कांग्रेस पार्टी के और इंडियन यूथ कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से, आपके उस टेम्पर्ड वीडियो का जवाब हमने वहां पर पोस्ट कर रखा है। ये झूठ मत बोलिए, ये आपके यहाँ होता होगा कि राष्ट्रपति आकर खड़ा रहे और प्रधानमंत्री बैठा रहे, ये आपकी पार्टी में होता होगा। कर्नाटका इलेक्शन की बात कर रहे हैं, मोदी जैसा नेता आकर बैठ जाए, आपके यहाँ होता होगा कि मुरली मनोहर जैसे संघर्षशील नेताओं को, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं को उठाकर मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाए, ये झूठ मत बोलिए। देखिए आप इस तरीके से नहीं कर सकते, झूठ बोलने के लिए आप यहाँ नहीं आए हैं। आपके यहाँ अध्यक्ष की कोई भूमिका नहीं है, आप इनको जवाब दे दूं मैं। और ये परिवारवाद आज भी ये गांधी परिवार वही चला रहा है, बजरंगदल को क्यों बैन किया जाना तरीके से हावी है पूरे कांग्रेस पे, वो आपको मालूम है। मैं जवाब तो दे रहा हूँ, सुन तो लीजिए आप, बजरंग दल को कैसे बैन किया जाएगा मैं बता रहा हूँ। कोई भी ऐसा संगठन जो किसी भी व्यक्ति की धर्म के नाम पर हिंसा करेगा,
धर्म के नाम पर किसी के साथ हिंसात्मक गतिविधि करेगा, धर्म के नाम पर किसी को मारेगा, धर्म के नाम पर किसी को पीटेगा, और हमारे आराध्य, हमारे प्रभु श्री राम के अनन्य, सिया राम के अनन्य सेवक बजरंग बली की छवि को अगर खराब करने की बात करेगा, तो हम तो भारतीय जनता पार्टी की तरह छद्म हिंदू है नहीं, हम वास्तविक सनातन धर्म को मानने वाले हैं। अगर बजरंग बली की इमेज को टेम्पर किया जाएगा, उनकी इमेज को जो सौम्य और क्या कहते हैं एक दयालु जो उनकी इमेज है उसको आक्रामक और क्या कहते हैं वध करने वाले व्यक्ति के तौर पर अगर पेश किया जाएगा तो हम उसका बिल्कुल विरोध करेंगे। और बजरंग दल की हकीकत क्या है, बजरंग दल को इस बात का अधिकार किसने दे दिया कि वो किसी लड़के और लड़की को इस बात के लिए रोके कि आप बाहर ना निकले? बजरंग दल को इस बात का अधिकार किसने दे दिया कि वो कौन व्यक्ति क्या पहन रहा है, क्या खा रहा है, इस पर कोई वो इंटरवेंशन करे? आप अभी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत हमें राइट टू चॉइस दे रखा है, हमें जी वो तो आने वाला वक्त बताएगा जिस समय पर हमें दे रखी है। अभी चर्चा जो है वो मुख्यमंत्री को लेकर है कि आखिरकार मुख्यमंत्री महोदया सुन तो लीजिए, बजरंग दल तो खुलेआम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को वायलेट कर रहा है, उनके ऊपर तो कंटेंट ऑफ कोर्ट का केस करेगी हमारी सरकार। रत्नेश जी ये आने वाले समय में पता चलेगा, आप बजरंग दल को बैन करते हैं जिस तरीके से चुनावी वादे किए वो आप कितने पूरे करते हैं रत्नेश जी, लेकिन नहीं रत्नेश जी मुद्दे से नहीं, रत्नेश जी मुद्दा आज का सिर्फ ये है कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा। रत्नेश जी वास्तविकता को स्वीकार किया कीजिए, कुछ आइडिया नहीं है आपको मुझे बहुत अच्छी तरह आइडिया है, मैंने आपको बताया ना, हम मैं तो कह रहा हूँ बजरंग दल को किसने अधिकार दे दिया किसी को पर हमला करने के लिए? बजरंग दल पर जब चर्चा होगी मैं बुलाऊंगा रत्नेश जी तपोज जी इस तरीके से आप चर्चा करेंगे क्या किसी को समझ में आएगी? आप दोनों आपस में अगर इस तरीके से चर्चा करेंगे तो क्या किसी को समझ में आएगा? आप एक एक करके बात कर रही हो, और आज मैं बजरंग दल पर नहीं कर रही हूँ, आज मैं बात कर रही हूँ मुख्यमंत्री को लेकर। मैडम कर्नाटक को बजरंग दल को कर्नाटक की जनता ने बैन कर दिया है, और तो जनता से आने वाले समय में उसका पता चलेगा रत्नेश जी। अभी तो फिलहाल पहले मुख्यमंत्री का ही वो पहले मुख्यमंत्री चुन लीजिए, आप पहले मुख्यमंत्री तो चुन लीजिए ना, जो दो दावेदार आपके साथ में है उसमें तपोज पाल, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा कुछ नहीं कर पाएंगे। रत्नेश जी पहले मुख्यमंत्री चुन लीजिए, आगे के चुनावी वादे जो पूरे करेंगे तो बाहर फेंक दिए जाएंगे। रत्नेश जी पहले मुख्यमंत्री तो चुन लीजिए ना, ऐसे बढ़कर नहीं हो सकते। कर्नाटक की जनता ने बता दिया है कि वो कर्नाटक की जनता ने जो जवाब दिया है वो सब जानते हैं, वो सबने देखा है, कर्नाटक की जनता ने जो जवाब दिया वो सबने देखा। लेकिन रत्नेश जी यहाँ पर मैं चर्चा मुख्यमंत्री की कर रही हूँ, जिस समय पर मुख्यमंत्री चुन लिया जाएगा ये आगे भी चर्चा होगी, तब हम उस पर बात करेंगे। लेकिन रत्नेश जी यहाँ पर बात करें ना, बिल्कुल मैं बिल्कुल आपसे बात करूंगी, बजरंग दल पर ही बात करूंगी आपसे, लेकिन अभी फिलहाल मुख्यमंत्री की मैं बात कर रही हूँ। आप मुझे बताइए मुख्यमंत्री में किस तरीके से आप दोनों दावेदारों को वो पेश करेंगे, किस तरीके से दोनों के बीच की जो लड़ाई है, क्योंकि भले ही वो अंदरूनी लड़ाई है खुलकर सामने नहीं आई है, लेकिन हमने कई जगह पर देखा है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या फिर राजस्थान हो, क्या कर्नाटक में भी इसी तरीके का माहौल देखने को मिल सकता है? देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि सभी नेताओं की में ये आकांक्षा होती है, सभी नेताओं के समर्थकों में आकांक्षा होती है कि हमारे नेता मुख्यमंत्री बने। अभी उत्तर प्रदेश में 2017 में जब चुनाव हुआ था तो मनोज सिन्हा जी अलग भारतीय जनता पार्टी से दावेदार थे, योगी आदित्यनाथ अलग दावेदार थे, उसके बाद में लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी अलग दावेदार थे, लेकिन उनकी पार्टी ने निर्णय लिया ना, जिसको बनाया हमारी पार्टी भी उसका उस पर निर्णय लेगी, विधायक दल जिसको चुनेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। ये तो विधायक दल में लोग जाके अपनी निष्ठा और अपनी मजबूती को सिद्ध करें, इसमें कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कुछ नहीं करेगा, जो भी विधायक दल जिसको अपना नेता चुन लेगा, हमारे यहाँ जो संवैधानिक व्यवस्था है कि विधायक दल के लेकिन नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। दिल्ली बुलाया गया था डीके शिवकुमार को, वो दिल्ली तो नहीं आए आलाकमान से मिलने के लिए, उन्होंने मना कर दिया है, आप कह रहे हैं अंदरूनी कला नहीं है? कौन कह रहा है अंदरूनी कला है भाई, ये आप लोगों को सोर्स कहाँ से मिलते हैं? आप ही के नेता जिस तरीके से जवाब देते हैं उसी से सोच निकल कर आती है ना। नहीं नहीं मेरे नेता सही डीके शिवकुमार जी ने ऐसे कौन सा जवाब दे दिया, नहीं ये बताइए ना, डीके शिवकुमार जी ने ऐसे कौन सा जवाब दे दिया जिससे लगता है कि वो नाराज हैं?
दिल्ली बुलाया गया था डीके शिवकुमार को, आखिरकार वजह क्या रही नहीं आने की? अरे वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको वहां पे जिम्मेदारियां दी गई, मुख्यमंत्री के दावे, मुख्यमंत्री के दावेदार है ना इस समय पर। अरे मुख्यमंत्री की बैठक भी मुख्यमंत्री का बीते दिन, मैं फिर वही एक बात कह रहा हूँ एंकर महोदय सुनिए, तो मुख्यमंत्री का निर्धारण कर्नाटक में विधायक दल की बैठक में होगा, दिल्ली में थोड़ी होगा। तो दिल्ली आना उनके लिए इतना जरूरी नहीं था? अरे भाई वहां पे विधायकों के साथ भी तो उनको होना चाहिए, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधायकों को मैनेज करना उनको उनके लिए जरूरी है, वो वहां पर हैं। तपोश जी क्या कहेंगे इसको लेकर, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात कर्नाटक की करें, कर्नाटक में डीके शिवकुमार नहीं आ रहे हैं दिल्ली, उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया है, क्या यहाँ पर भी कहीं वो रणनीति तो नहीं है ज्योतिरादित्य सिंधिया वाली? देखिए ये कांग्रेस की अपनी अपनी नीतियां हैं, वो अपने करें, किस तरीके से नेता संभाल सकते हैं, किस तरीके से क्या करना है। इससे पहले भी ये द्वंद्व सामने आया था, इससे पहले भी पिछले सरकार में भी, मैं बता दूं कि इन्होंने ये जेडीएस और कांग्रेस खुद चले गए थे, हम सबसे बड़ी पार्टी थे उस समय, और जेडीएस और कांग्रेस खुद चले गए थे राज्यपाल के पास और खुद जाके अपनी दावेदारी पेश कर दिए, और बाद में क्या हुआ, उन्हीं के विधायक उन्हीं के वहां से छिटक के यहाँ चले आए और कहें कि वहां पे अंधाधुंध करप्शन चल रहा है, आप कर्नाटका को एक विकल्प दीजिए, तब हम लोग उतरे और फिर उसको विकल्प दिए। जो भी उस समय विधायक हमारे पास आए थे वो वापस कमल निशान पे गए, चुनाव लड़ा बाई इलेक्शन और कमल निशान पे जीत गया, तब हमारी सरकार 4 साल चली, हमने सुशासन दिया, हमने कई हाईवे दिए, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर की कंपनी तुमकुर में बन रही है, एचएल उसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगी, 30 हेलीकॉप्टर बनाने का उसमें कैपेसिटी है, ये एशिया में सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर बनाने का प्लांट है, इसके अलावा कई परियोजनाएं, सबसे पहला सेमीकंडक्टर कंपनी भी मैसूर में खुला है, तो इस तरीके से कई चीजें हमने की। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने फ्री बीज पॉलिटिक्स करने की कोशिश की और बोलने वाली जनताओं को अपने साथ बुलाने की कोशिश की है, ठीक है वो करें, अब इनके अगर अंदर में रचा कसी होती है या ये आपस में टूटते हैं तो इसके जिम्मेदार हम थोड़ी ना, ये संभाले, इनकी लीडरशिप संभाले, उनको उन नहीं संभाल पाते तो हम क्या करें उसमें। अब कांग्रेस को भी संभालने की जिम्मेदारी हमें भाजपा की थोड़ी ना है, लेकिन फायदा तो उठा लेती है ना, कांग्रेस को ही संभालेंगे, नहीं संभाल पाते तो हम क्या करें उसमें, आ जाते हैं ना कांग्रेस के नेता तो आपके पास आ जाते हैं ना फिर। नहीं एक मिनट आप बोलने दीजिए हमें, तो अब अगर कांग्रेस टूट के एक धड़ा हमारे पास आता है तो हमें क्या दिक्कत है, हम ऑप्शन पे जाएंगे, हम ऑप्शन पे काम करेंगे, लेकिन ये संपूर्णतः डिपेंड करता है कांग्रेस की लीडरशिप पे कि वो किस तरीके से यहाँ के लोगों को संभालती है, यहाँ के नेताओं को संभालती है, यहाँ के विधायकों को संभालती है, क्योंकि राजनीतिक जो भी उसने मैंडेट दिया है जनता ने वो कांग्रेस के साथ है। अब ये कांग्रेस को तय करना है कि वो कैसे चलाता है, अगर वो नहीं तय कर पाते तो ये लीडरशिप फेलियर हुआ, उसमें हम क्या करेंगे, हम फिर ऑल्टरनेट ऑप्शन के लिए जाएंगे अगर वो टूटती है कांग्रेस आपसे रचाकसी में। ठीक रत्नेश जी क्या कहेंगे? देखिए अभी मैं देख रहा था, तपोस भाई सुन रहा था, मैं उसका जवाब दे देता हूँ आपको। देखिए आप सभी जानते हैं कि कर्नाटक में जो कांग्रेस पार्टी ने मुख्य मुद्दा उठाया था वो था भ्रष्टाचार। अब मैं बताता हूं कि वो भ्रष्टाचार के कौन कौन से मुद्दे था जिस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके पूर्व मुख्यमंत्री, उनके वर्तमान मुख्यमंत्री, उनके प्रधानमंत्री और हमारे भी प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, मेरे प्रधानमंत्री, मेरे गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जवाब नहीं दे पाए। बीजेपी विधायक दल विधायक मदन वीरप्पा के बेटे को 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त ने पकड़ा, उनके घर से 6 करोड़ रुपए का कैश बरामद हुआ, इस पर इन्होंने जवाब नहीं दिया। अरे सुन, अरे आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, आप अरे सुन, हमारी भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस है। तपोजी सुन लीजिए, आप जब बोल रहे थे मैंने बीच में नहीं टोका ना, बीच में टोका आपने, अब गलत कह रहे हैं, सुनिए ना आप, यहाँ सुनिए ना, नहीं सुनिए ना, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको इसका सोर्स बता दूंगा, चेक कर लीजिएगा, मैं सोर्स बता दूंगा कहाँ से। क्या सोर्स बताएंगे भाई, हम ही ने छापा, मैं सोर्स आपको बता दूंगा। समय बहुत कम है, कांग्रेस का भी कैंडिडेट उसके
घर के पौधों में रत्नी जी जल्दी से अपनी अरे भैया मैं बता दे रहा हूँ तपो जी सुन लीजिए समय बहुत कम है रत्नी जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए देखिए एमएलए बीजेपी विधायक मदन बिश्रप्पा के बेटे को 40 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया उनके घर से 6 करोड़ रुपए मिले गुड़ के निर्यात में घोटाला किया गया इन्हीं के क्या कहते हैं स्टेट कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन ने के प्रमुख मंजू दास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा ऑडियो क्लिप जारी किया जिसमें इन्होंने इनके येदुरप्पा पे क्या कहते हैं रिश्वत मांगने के आरोप लगाए प्रमाण पत्र देने के लिए रिश्वत मांगने के लिए पीएम को पत्र लिखा गया इन्हीं की पार्टी के विधायक ने लिखा टेंडर अमाउंट में 40% कमीशन मांगा गया लिंगायत संतों ने इनके ऊपर 30 अप्रैल को बोलेसर मठ के लिंगायत संत डिंगलेश्वर स्वामी जी ने कर्नाटक सरकार पर तमाम सारे आरोप लगाए ये सारे मुद्दे थे जिनको कांग्रेस पार्टी ने उठाया और भारतीय जनता पार्टी के पास इसको लेकर कोई रेलेवेंट आंसर नहीं था और ये भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव हारे और एक बहुत बड़ी बात इन्होंने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी को हर जगह क्या कहता है डिप्लॉय करके चुनाव जीता कर्नाटक में नरेंद्र दामोदर दास मोदी का चेहरा फेल हुआ और उनको वहां की जनता ने नकार दिया रत्नेश जी जिस तरीके से अभी आपने भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री भी रत्नेश जी अभी आपने रत्नेश जी मेरी बात रत्नेश जी मैंने इतने सारे मुद्दे बता दिए अभी मुद्दों पे भी अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इन्होंने चुनाव जीता है या इन मुद्दों पर इन्होंने काम नहीं क्यों किया तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है उसमें कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप कुछ नहीं कर सकती मैंने जो मुद्दे गिनाए इन मुद्दों को आपने देखा है कांग्रेस पार्टी ने शुरू से उठाया हमें तो 40% और ऊपर चुनाव हार गए भ्रष्टाचार का विरोध करने वाले नरेंद्र मोदी की पार्टी भ्रष्टाचार पर कर्नाटक में चुनाव हार गई ठीक है रत्नेश जी अब मेरा भी सवाल रत्नेश जी अब मेरी बात भी सुनिए आपने बताया कि जनता ने बीजेपी को किस वजह से हराया है लेकिन आप डीके शिवकुमार की अगर बात करेंगे तो 104 दिन रहे हैं तिहाड़ जेल में आपको पता है ना किस मामले में वो रहे हैं अब अगर आप मुख्यमंत्री बनाते हैं या उप मुख्यमंत्री बनाते हैं तो क्या वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं थे क्या उनके खिलाफ सीबीआई मैडम इनके पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदुरप्पा जेल जा चुके हैं भ्रष्टाचार आपने भ्रष्टाचार का जो मामला कर्नाटक में उठाया है कि इस वजह से बी एस येदुरप्पा मेरा कन्विक्शन प्रूफ हुआ मेरा मेरा सवाल मैं सिर्फ आपसे जवाब मैं सिर्फ आपसे इतना जवाब मांग रही हूँ अरे भैया मैं वही तो कह रहा हूं बी एस येदुरप्पा कन्विक्शन जो है वो प्रूफ हुआ है और उसको अपने सीएम बनाया आप कहां कहां नहीं रत्नेश जी अभी आपने तमाम भ्रष्टाचार को लेकर जनता ने बीजेपी को नकारा है बीजेपी को नकारा है ये बात आपने रखी लेकिन आपने डीके शिवकुमार का मैंने तो कहा आप उसका खंडन करिए सर्च करके गूगल से भारतीय तो कर रहा हूं डीके शिवकुमार को आप सत्ता में वापस ला रहे हैं डीके शिवकुमार को प्रदेश अध्यक्ष हैं आपके तिहाड़ जेल में रहे हैं 104 दिन तक आप कैसे कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को देश का गृह मंत्री तड़ी पार रहा है देश का गृह मंत्री तड़ी पार रहा है देश के गृह मंत्री को पर एक जज की हत्या बीजेपी को बीजेपी को बीजेपी को जनता ने नकारा ना बीजेपी को जनता ने नकारा ना काउंटर कराने का आरोप लगा है उसको तो इन्होंने गृह मंत्री बना दिया है चलिए तपोश जी तपोश जी ऊपर कन्विक्शन प्रूफ भी नहीं हुआ चलिए रत्नेश जी आपने आरोप लगाया है जवाब ले लेते हैं रत्नेश जी तपोश जी क्या कहेंगे बीजेपी को जनता ने नकार दिया है भ्रष्टाचार को लेकर दूसरी तरफ अगर बात करें दावेदारी की मुख्यमंत्री की तो डीके शिवकुमार खुद 104 दिन तिहाड़ जेल में रहे हैं क्या कहेंगे देखिए वही दिक्कत है इनके साथ ये अपनी गलतियों को इनके राहुल गांधी बेल पे हैं दिक्कत भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ है तो भाई ये गलत मैं किसी के साथ में नहीं हूं पहली बार रत्नेश जी के लिए रेडी नहीं है अमित शाह जी तड़ी पार रहे हैं खुद पे जब आएंगे जब बोलेंगे और मैं बोलूंगा तो कहेंगे जब सवाल किया जाता है तो आप मीडिया पर सवाल उठा देते हैं ठीक है इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर मामले में गृह मंत्री जी का नाम आया था या नहीं आया था इन चीजों पर भी जवाब दे दीजिए ना आपने इतने बड़े जिस व्यक्ति को कोर्ट में तड़ी पार कर दिया था और परिवार की सरकार में तड़ी पार रहा है कांग्रेस की सरकार गृह मंत्री बना रखा है देश का गृह मंत्री बना रखा है और आप दूसरों को भ्रष्टाचार पे ज्ञान दे रहे हैं आप भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव हार रहे हैं ये हर जगह आप भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव हारे हैं रत्नेश जी रत्नेश जी सुन लीजिए सत्ता में थी उस समय भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी आप कोई भी सरकार देख ले आप छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट देख लीजिए एक बीमारू प्राइवेट मेडिकल कॉलेज उसको इन्होंने खरीदा छत्तीसगढ़ में भारत में सबसे कम बेरोजगारी दर है सरकारी पैसे से में तो भारत सरकार में सबसे कम बेरोजगारी दर है 0.2%
यहाँ भी जो है आपको दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों इस चर्चा में जुड़े। तो देखिये जिस तरीके से कर्नाटक की अगर बात की जाए तो कर्नाटक में सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार को लेकर अभी भी कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस आलाकमान अभी भी इस पर फैसला नहीं ले पाया है कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि जिस तरीके से अगर सिद्धरमैया की बात की जाए तो उनका राजनीतिक करियर, यानी कि उनके राजनीति की अगर बात करें तो बहुत समय उनका रहा है, लेकिन अगर बात डीके शिव कुमार की करें तो डीके शिव कुमार ने पूरे जोर शोर से इस चुनाव में अपनी ताकत लगाई। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या मुख्यमंत्री का दावेदार काम को लेकर होगा या फिर कद को लेकर होगा, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। और जिस तरीके से अब कांग्रेस की अगर बात करें, विधायक दल की बैठक, और जिस तरीके से अब इस मामले को लेकर कांग्रेस की तरफ से जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनको ये फैसला लेने के लिए हक दे दिया गया कि आखिरकार मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान वही करेंगे। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।